हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास हमारी होने वाली है पावर ऑफ लेंस पर। पावर ऑफ लेंसेज की बात करें तो हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस होते हैं। इनकी एबिलिटी, ये लेंसेज इन पे ऊपर जो रेज पड़ती है, लाइट रेज आती हैं, फॉल होती हैं, उनको कितना ये डाइवर्ज करती हैं या कितना कन्वर्ज करती है, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उस लेंस की पावर कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल हम बात करें कि हमारे पास एक रॉड है, सपोज ये स्टील की रॉड है, इसको हम बेंड करना चाहते हैं। दो तीन लोगों को दिया गया बारिश बारिश बेंड करने के लिए। सिमिलर रॉड हमारे पास तीन थे और तीन पर्सन हैं, तीनों को दिया गया और सबने इसे बेंड करने की कोशिश की। किसी ने इतना बेंड किया, किसी ने इतना किया और किसी ने इतना, जो सबसे ज़्यादा बेंड करेगा सोचिए उसकी पावर क्या रही होगी सबसे ज़्यादा। सिमिलर वे में हम ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, जो लाइट रेज हैं जो लेंस पर फॉल होने वाली। जैसे हम बात करें कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस जनरली क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अगर इन पे हम लाइट रेज फॉल करते हैं, जैसे हमारे पास ये लाइट रेज हैं, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये मान लीजिए ऐसे क्या करता है, इसको कन्वर्ज करता है, और जहाँ कन्वर्ज करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका फोकस कहते हैं। सेम पैटर्न पर अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें क्या होता है, डाइवर्ज करता है, और डाइवर्ज इस तरह से करता है कि अगर हम इसको बैक साइड में मैच कराते हैं रिवर्स करके, तो भी ये कहाँ मिलते हैं, इस लेंस के फोकस पर। ठीक है, ये कहानी थी। अब बात करते हैं कि पावर क्या है फिर, तो पावर ध्यान सुनिएगा। अगर मैं कहूँ कि इस लेंस की फोकस हमने बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जो रेज आ रही थी सामने से यहाँ से, वो फोकस बढ़ने का मतलब कि लेंस की और फोकस बड़ी हो गई, तो यहाँ पर अगर फोकस हो गया तो रेज यहाँ गिरने वाली हैं, है कि नहीं। अगर यहाँ रेज गिर रही है तभी हम बोलेंगे फोकस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब सोचिए ध्यान से कि पहले वे में जब पहली बात हम कर रहे थे, रेज आ रही थी तो वो इतना बेंड हो रही थी, सपोज कि 45 डिग्री। अब रेड वाली जो लाइट है जिसे फोकस हम बढ़ा रहे हैं, वो क्या 40 से ज़्यादा होगा, नहीं कम होगा, सपोज कर लेते हैं 30। तो सोचिए जो रेज था हमारे पास, वो बेंड पहले केस में ज़्यादा हुआ था या बाद वाले में, तो पहले वाले केस में ज़्यादा बेंड हुआ है। इसका मतलब एफ जो है वो क्या है, छोटा है एफ डैश से। लेकिन एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो बेंडिंग है वो एफ वाले में ज्यादा हुई है, और इस वाले केस में क्या हुई है, बेंडिंग कम। तो पावर किस वाले केस में रहा होगा, इस वाले में। तो पावर पी इज ग्रेटर देन पी डैश। ठीक, तो यहां से एक हमें हमारे पास एक रिलेशन मिलता है किसके बीच में, पावर और फोकस के बीच में, कि यदि हम ऐसा कह दें कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस या फोकल लेंथ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एक रिलेशन हमारे पास मिल गया कि P इक्वल्स टू 1/F। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है कि जब हम 1/F लिखते हैं तो उसमें फोकस को हम लोग किस में लिखते हैं, मीटर्स में। और अगर इसी फॉर्मूले को हम लिख दें 100/F, तो उसमें ये फोकस जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर्स में। फॉर्मूला दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे मीटर में रखिएगा तो 1/F रखिएगा, और सेंटीमीटर रखिएगा तो कितना रखिएगा, 100/F रखिएगा। और दोनों केस में पावर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस के है। मतलब फोकस आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे उतनी एबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी बेंडिंग की। मतलब पावर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसलिए हम इन्वर्सली कहते हैं। दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है कि जैसे हम बात करें यूनिट की, यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की यूनिट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/F है, तो क्या लिख सकते हैं, फोकस का रिवर्स। फोकस किसमें नापा जाता है, मीटर में या तो सेंटीमीटर में, तो मीटर इनवर्स या तो सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। लेकिन फेमस वन क्या है इसका, तो फेमस इसका है डायोप्टर। डायोप्टर कैपिटल डी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर की ये क्या होती है, यूनिट होती है। अच्छा, अब बात करिए साइन की, साइन ऑफ पावर। पावर की साइन की बात अगर हम करें तो पावर रिलेट करता है फोकस से। इसका मतलब अगर फोकस पॉजिटिव हुआ, इफ फोकस इज पॉजिटिव देन पावर ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि 1/F करना है। और आपको याद होगा कि फोकस पॉजिटिव किस केस में होता है, कॉन्वेक्स में। इसका मतलब पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो कॉनकेव के केस में इसकी फोकस क्या होती है, निगेटिव होती है, और कॉनकेव की फोकस निगेटिव, हैंस
पावर ऑल्सो निगेटिव, हमेशा कॉनकेव की पावर क्या होगी, निगेटिव होगी। आप ग्लासेस लगाते हैं, जब भी कभी आई डिफेक्ट होता है तो लोग ग्लास लगाते हैं, तो आप सुने होंगे कि इस ग्लास की जो लेंस है उसका पावर कितना, -2.5 है सेंटीमीटर, या सॉरी पावर बोलते हैं तो डायप्टन बोलते हैं, बस सिर्फ इतना ही बोल देते हैं कि इस लेंस की पावर -0.25 है या 0.15 है या 0.125, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, प्लस में भी बोला जा सकता है माइनस में भी। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ से होगा कि अगर प्लस में है तो इसका मतलब उसकी लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, और अगर माइनस में तो उसकी लेंस कैसी है, कॉनकेव है। और ये कब लगता है ये हम आगे डिफेक्ट्स में और क्लियर पढ़ेंगे। क्लियर, तो यहाँ तक की ये कहानी थी कि पावर क्या होता है, फोकस का रिवर्स होता है, पावर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड्स होता है कि फोकस कैसा है, मतलब लेंस कैसा, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। इसकी यूनिट हम लोग मीटर यूनिवर्स, सेंटीमीटर यूनिवर्स या डायोप्टर कह सकते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, आपको वन डायोप्टर डिफाइन करना हो तो वन डायोप्टर को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास पावर इक्वल्स टू क्या पता है, 1/f, ठीक है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो फोकस था, इफ f इक्वल्स टू 1 मीटर, फोकस को 1 मीटर हम कर दें, तो हमारे पास p इक्वल्स टू क्या बचेगा, 1/1 इक्वल्स टू 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होगी, उस लेंस की पावर होगी जिसकी फोकस कितनी होगी, 1 मीटर। डिफरेंशिएशन कैसे होगी, पावर ऑफ लेंस इज वन डायोप्टर हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। सिंपल सा हम वन डायोप्टर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर, अच्छा ये थी हमारे पास पावर से रिलेटेड कुछ कहानियां कि हाँ पावर कैसे कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉनकेव वाले केस में भी वही कह सकते हैं कि मेन रे जैसे जा रही थी, इसको जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स कर सकता है उतनी ज़्यादा इसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जैसे पावर ज़्यादा होगी, सोचिए अगर कम डाइवर्स किया है तो ये यहाँ मिलेगा इतनी फोकस, और अगर ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया है तो ये कहीं यहाँ बैक साइड मिलेगा, फोकस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोकस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, दोनों केस में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। लेंस में ही कुछ और चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, जैसे बात करें हम लेंस का कॉम्बिनेशन, अगर हम मोर देन 1, 2, 3, 4, 5 लेंसेज को कंबाइन करें, जैसे कि हम आजकल डिजिटल कैमरा में देखते हैं, DSLR कैमरेज होते हैं, उसमें देखते होंगे आप लोग एक्स्ट्रा लेंसेज आगे यूज किए जाते हैं, है ना, कैमरे को ऐड कर करके उसको हम लोग लेंस को बढ़ाते जाते हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं बात करूँ कि हमारे पास एक लेंस है कॉन्वेक्स, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज आ रहे थे लाइक दिस, तो इसने क्या किया, इसको बेंड किया कहीं यहाँ पे, मान लेते हैं, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, फोकस कहलाएगी, मान लेते हैं पहले लेंस की फोकस है। अच्छा, इसी के जस्ट बगल में यदि मैं एक और लेंस रख दूँ, ऐसे सेम नेचर का, कॉन्वेक्स ही रहेगा, सेम फोकस का मान लीजिए रख लें, तो इसने क्या किया, इस रेंज को जो पैरेलल जा रही थी उसको बेंड किया एफ पर, मान लेते हैं कि सीधे से कितना डिग्री बेंड कर दिया, 30, मतलब इस लेंस की एबिलिटी यही है कि ये मेन रेंज को जैसे पे जैसे गिरेगा इस पर, जैसे भी गिरेगा उस वाली मेन लाइन से ये कितने डिग्री पे इसको नीचे कर देगा, 30 डिग्री कन्वर्ज कर देगा, ठीक। तो ये भी लेंस उसी तरह से नीचे रखेगा। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, इसने हल्का सा बेंड कर दिया 30 डिग्री, अब इस पर जब गिरेगा तो इसको ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, तो ये जाने देगा नहीं, इसकी भी एबिलिटी वही होगी कि 30 डिग्री क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो ये इस लाइन से 30 डिग्री कन्वर्ज कर देगा। तो सोचिए कि दोनों ने मिलकर कितना फोकस कर दिया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ रेज गिरती यहाँ पर, लेकिन ये भी है साथ में, वो यहाँ गिराएगा, तो फाइनली जो रेज जा रही थी जो एफ पर गिरती, अब वो कहाँ गिरेगी, कहीं यहीं पर, और ये लेंस आप नापेंगे कितना हो जाएगा, f/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं तो फोकस क्या होता है, चेंज होता है। अगर सिमिलर ऐसे हम रखते हैं तो देख रहे हैं फोकस क्या होता चला जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक तरीका और समझने का, इसकी मान लीजिए पावर पी है, इसकी P1 P2 मान लीजिए, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, नेचर सेम रखते हैं, पी कॉन्वेक्स दोनों का रखते हैं। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो लेंस था इसकी पावर क्या है कि ये मेन रेज को जो इस पर फॉल होने वाली है उसको मेन ट्रैक से, जो ओरिजिनल ट्रैक था उससे बेंड कर देगी 30 डिग्री पर, ये इसकी पावर है, एबिलिटी टू बेंड। बगल में एक और लेंस है
ये थीटा वन मान लीजिए बेंड करता है, और ये कितना बेंड करता है जब इस पर गिरेगा, तो देखिए ये गिर रहा है, ये डॉटेड वाला तो खत्म हो गया ना, वो था मेन वाला, इसने बेंड कर दिया इस लाइन को, दो को दो पे ला दिया। अब ये टू वाली जो लाइन है वो दूसरे लेंस पे गिरेगी, तो ये क्या करेगा, इसको और बेंड करेगा, कितना मान लेते हैं थीटा टू, तो नेट जो मेन लाइन थी वो नेट इतना ना बेंड हो गया, तो पावर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर इसने 30 डिग्री बेंड किया, इसने 30 डिग्री बेंड किया, तो टोटल कितना डिग्री बेंड हो जा रहा है, 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो अगर हम नेट पावर की बात करें तो दोनों के पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। ये लेंस कॉम्बिनेशन का सबसे सिंपल सा पार्ट हो गया कि हमें अगर पावर ऐड करना है या पावर निकालना है कंबाइंड लेंस में, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। अच्छा, पावर्स का रिवर्स हमने पढ़ा क्या, फोकस, तो पी नेट का रिवर्स क्या हो जाएगा, वन बाय एफ नेट। ऑन एफ नेट मीन्स दोनों की जगह सिंपल सा अगर सिंगल एक लेंस यूज करें तो उसका क्या फोकस लेते हैं, वो लेते हैं एफ नेट। तो पी वन की जगह क्या लिखते हैं, वन बाई पी एफ वन, और पी टू की जगह वन बाई एफ टू। तो एक चीज कंफर्म हो गया हमारे पास कि अगर लेंस को हम कंबाइन करते हैं तो पावर कैसे ऐड होते हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे, लेकिन फोकस क्या होती है, इन्वर्स होकर ऐड होती है। रेजिस्टेंस आपको याद होगा, रेजिस्टेंसेस जैसे होते हैं वैसा ही कुछ है ये, ठीक है। अच्छा, नेट निकालने के लिए इसमें न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। अब लेंस की मैं बात करूं, आपसे दिखाऊं कि एक हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स और दूसरा इसी के बगल में क्या है, कॉनकेव। हम ये मान के चलेंगे, ऐसा होता नहीं जनरली, बट हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों लेंस के बीच में गैप क्या है, जीरो है, एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, नहीं होता भी है, लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं कि बीच में गैप है, तो हमें कैलकुलेशन अलग तरीके से करना पड़ेगा, जो कि आपको हायर क्लास में 12th में मिलेगा कि दोनों लेंस के बीच में गैप रखा जाता है फिर फोकस पूछा जाता है। तो उससे भी बची मत, मतलब उससे हट, उस पर नहीं जाते हम लोग। हमें ये सिर्फ जानना है कि इनके बीच में गैप क्या है, जीरो। अगर जीरो है तो सोचिए इसकी पावर पी वन, इसकी पावर पी टू। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जिसकी फोकस पॉजिटिव होगी इसकी पावर पॉजिटिव होगी, जिसकी फोकस नेगेटिव होगी उसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव। कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है, उसकी क्या होती है, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू फोकस। अब बताइए नेट पावर कितना होगा इसका। तो नेट पावर के लिए मैंने बोला दोनों को ऐड कीजिए, बट विद साइन, और साइन के साथ ऐड करेंगे तो यहां का नेट पावर कितना हो जाएगा, पी वन प्लस में है और पी टू क्या, माइनस में, तो पी वन माइनस पी टू हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इस तरह से हम इसको रिवर्स करके फोकस निकाल सकते हैं इसका नेट, ओके। और अगर दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, जैसे दोनों कॉन्वेक्स अगर हो गए, दोनों कॉन्वेक्स अगर हम लोग लेते हैं, इसका P1 है इसका P2, तो इसमें दोनों माइनस लेंगे तो P1 माइनस में करेंगे, माइनस P2 करेंगे तो दोनों ऐड ही हो रहे हैं, बस निगेटिव में आएगा साइन, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें और, जैसे पहला पेंटिंग, पेंटिंग ऑफ लेंसेस, पेंटिंग करना या इसको हम कवर अप करते हैं। कवर करना मतलब, जैसे ये लेंस था, इसके अपर पार्ट को, हाफ अपर पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, ब्लैक क्लोथ से, ब्लैक कपड़े से क्या कर दिया, ढक दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। या हम इस नए वाले लेंस को क्या करते हैं, ब्लैक पेंट से कोट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। सामने से आप लेंस देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, गोला सा, ठीक है। इस लेंस के आधे पोर्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं या यहीं पे कपड़ा लगा के ढक देते हैं, तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पेंटिंग करना या कवर करना मतलब सेम है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी जाएगी उसका इमेज बिना पेंटिंग के, मान लीजिए कि एक सीधी रेज ऐसे आई, ये इमेज फॉर्मेशन हम लोग बना चुके हैं, दोनों ऐसे फोकस हो जाएगी, एक सीधी जाएगी, मान लीजिए हम मिलते हैं, तो यहाँ क्या बन जाता है, इमेज इसका ऑब्जेक्ट है। ये में जितना इंटेंस दिखेगा, जितना ब्राइट दिखेगा, ठीक है, ब्राइटनेस मान लीजिए इसकी कितनी है, बी वन अभी है, जैसे इसको आप क्लोज कर देंगे, अब आपको लगेगा कि इमेज बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा, यहां से रेज नहीं आ पाएगी ना, ये नहीं आएगा तो ये खत्म, चलिए मानते हैं खत्म हो गया, नीचे से रेज तो ऐसे जाएगी ना बहुत सारी, वो तो यहां पर मिलेंगी ऐसे ऐसे, तो वो अभी भी मिलती हैं जब पेंट होता है, और जब पेंट नहीं रहता तब भी मिलती हैं, मतलब यहाँ से बहुत सारी रेज होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, सब के सब आके ही मिलते हैं, दैट्स व्हाई इमेज यहाँ बनता है। लेकिन जब आधे को आप ढक देंगे तो अब आधा रेज हाफ अपर का वो तो आएगा ही नहीं, सिर्फ लोअर का हाफ आएगा, तो इमेज तो अभी भी बनेगा और फुल बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट है जैसा है वैसा ही इमेज बनेगा, ऐसा नहीं कि हाफ हो जाएगा, अभी भी फुल रहेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ने वाला, तो कि जब अब हम ब्राइट सॉरी क्या कहते हैं उसको कवर अप कर दे रहे हैं, तो अब जो ब्राइट इमेज की ब्राइटनेस होगी वो मान लेते हैं बी टू। तो क्या लगता है, जब यहाँ से भी रेज आती थी तो ज़्यादा इंटेंस बनना चाहिए था, और जब आधा बंद हो गया तो आधा रेज तो आ नहीं रहा है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बाद वाली बी टू लेस हो जाएगी पहले की इंटेंसिटी से। कितनी,
तो ध्यान दीजिएगा, हम अभी तो नहीं पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा आपको कि किसी भी इमेज की इंटेंसिटी जो होती है वो इस लेंस के रेडियस के स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है। और जैसे ही हम आधा बंद कर देते हैं, कर्वेचर की रेडियस को हम स्क्वायर कर देते हैं, तो उसी के रेशियो में इंटेंसिटी होती है। और जैसे ही ये आधा हो जाता है, मतलब अब कितना हो गया आर बाई टू, तो इसके स्क्वायर में इंटेंसिटी हो जाएगी बाद की, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब आई, इमेज को हम अलग से सोच लेते हैं, यहाँ इंटेंसिटी की बात हो रही, ब्राइटनेस, अब ब्राइटनेस ही समझ लो, ब्राइटनेस या ब्राइटनेस, तो जो ब्राइटनेस होगा रेडियस बाई टू मतलब कितना हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर बाई फोर। पहले ब्राइटनेस किसके बराबर थी, फुल रेडियस के, अब कितनी होगी, रेडियस स्क्वायर बाई फोर, मतलब पहले का कितना टाइम्स, 1/4। तो जब भी हम आधे पार्ट को, लेंस को कोट कर देते हैं, कवर कर देते हैं, यहाँ पेंट कर देते हैं, इन केसेस में इंटेंसिटी जो होगी, ब्राइटनेस जो होगी, अगर पहले बी ब्राइटनेस है तो बाद में आधा ढकने के बाद कितनी हो जाएगी, बी बाई फोर। समझ में आ गई बात, क्योंकि इंटेंसिटी रेडियस के स्क्वायर की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, ये सारी चीज़ें आप आगे क्लास 12th में मिलेगा बहुत डिटेल में, अभी के लिए इसको बस जस्ट फॉर नॉलेज याद रखें, ठीक। चलिए, ये तो हो गया मेरे पास पेंटिंग कोटिंग करने का। एक और चलिए देखिए, एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग ऑफ लेंसेस। स्प्लिटिंग ऑफ लेंसेस मीन्स हम लेंस को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, कट कर रहे हैं इनटू टू पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। तो जैसे एग्जांपल पे हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिंगल लेंस कॉन्वेक्स हैविंग फोकस एफ, इसको हम कट कर रहे हैं इन टू वेज। फर्स्ट वे इज लाइक वर्टिकल लाइंस, अगर इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं तो ये कुछ लेंस हमें ऐसा दिखेगा और अदर हाफ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है कि इस लेंस को हम लोग बीच से ऐसे कट करें, तो जब ऐसे कट करेंगे तो क्या दिखेगा, अपर हाफ ऐसा दिखेगा एंड लोअर हाफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। हमसे क्या प्रॉब्लम पूछा जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम बन सकता है, क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अगर सिंगल फोकस वाला एक लेंस है एफ, सिंगल लेंस, तो इसको हम अगर इस तरह से कट करते हैं तो इस हाफ वाले पार्ट का फोकस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं एफ नॉट, अदर हाफ का कितना होगा, दोनों सेम खैर होंगे, सिमिलर दिख रहे हैं आपको, तो किसी एक का मान लीजिए पूछ लेता है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों का फोकस कितना है, एफ नॉट एफ नॉट। तो पहले इसको ध्यान देते हैं फिर इस पर आते हैं, ठीक। अब आपको एफ नॉट कैसे निकालेंगे, दो तरीके से, पहला तो फॉर्मूला, दूसरा लॉजिक। तो पहले लॉजिक वाली बात कर लेते हैं, देखिए अगर जब ये लेंस था तो आपके पास रेज था जो, वो मान लीजिए कि ऐसे लेंस है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम थिक बना लेते हैं, ऐसा है। अब इस लेंस पर जो रेज आ रही है, ऐसे रेज, उसको इतनी थिकनेस चलनी होगी, और जितना ज़्यादा देर तक वो मीडियम में रहेगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगी, बेंडिंग होगी। तो ये बेंड हो जाता है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक, समझ में आ गई बात। इस वाले केस में देखिए, जब अदर हाफ सिर्फ हाफ हो जाएगा, ये वाला केस ऐसा, तो अब जो रेज आएगी ऐसे, उसको सिर्फ हाफ डिस्टेंस, पहले जितना चलता था उसका हाफ डिस्टेंस चलना होगा, तो जितनी कम टाइम के लिए रहेगा उतना कम बेंड होगा। तो जितना पहली बार बेंड हुआ था मान लीजिए कि 60 डिग्री, अब कितना बेंड होगा, ये मेन राइट से अब 30 डिग्री बेंड होगा। तो क्या लगता है, फोकस बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा, क्योंकि जितना कम बेंडिंग होगा पावर उतनी कम होती जाएगी और फोकस उतना बढ़ता जाएगा। तो एक तो कन्फर्म हो गया कि इसकी फोकस बढ़ेगी, और जितना है, अगर दो इक्वल पार्ट्स में, तो इसका कितना हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए 2f, और इसका कितना हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए 2f, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए x डिस्टेंस चला है तो यहाँ पे कितना चलेगा, x बाई टू, तो जितना कम देर उतना कम बेंडिंग, तो बेंडिंग कम मतलब ज़्यादा दूर जाएगा, ज़्यादा दूर मतलब पहले जितना जाता था f, अब उसी का डबल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है ना। ये लॉजिक था। अब फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है कि जब हम भी हम कॉम्बिनेशन करेंगे एफ नेट निकालने के लिए, आप क्या करिएगा, 1/f1 + 1/f2 विद साइन। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो वापस हमें यही मिलेगा, मिलेगा मतलब ये नेट वाला पार्ट हो गया, तो एफ नेट की जगह क्या लिखेंगे आप, एफ नेट, ठीक। ये क्या हो जाएंगे, एक लेंस और ये दूसरा लेंस, दोनों की फोकस क्या है, सेम है, तो इसकी एफ नॉट माना है, तो एफ नॉट प्लस 1/f0, डन। दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, LCM F नॉट लीजिए, यहाँ वन तो 2 हो जाएगा, 1/f, F नॉट इसको टू क्या हो जाएगा, F नॉट यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ तो 2f आ जाएगा, सेम है। तो ये फॉर्मूले है, लॉजिक था, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि अगर हम वर्टिकली इसको एक्सिस के अलॉन्ग, इसके कर्वेचर के अलॉन्ग कट करते हैं तो फोकस हो जाती है डबल। इसमें आकर ज़्यादा ध्यान दीजिए, पहले लेंस से जो रेज जा रही थी वो एक्स डिस्टेंस जा रही है, अगर हम इसको बीच से ऐसे कट कर दें तो अभी भी ऊपर वाली रेंज x डिस्टेंस ही तो जाएगी, कि उससे ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, नहीं उतनी ही जाएगी। तो जो पहले फोकस थी f, अभी भी इसकी फोकस कितनी होगी, f f होगी,
समझ में आ गई बात, इसमें चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। अच्छा, इसमें भी दो तरीके से और कंबाइन करते हैं लोग, ऐसे कट करने के बाद इसको ये ऐसे रखते हैं, पहला ऐसे मान लीजिए ऐसा कुछ, और दूसरा कैसे रखते हैं, मान लीजिए कि पहले केस में ऐसे रखेंगे दोनों, तो पूछा जाता फोकस बताइए नेट, और एक बार ऐसे रखेंगे लोग ऐसे, और एक को रिवर्स करके, अब पूछेंगे इसका नेट फोकस बताइए, तो बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर इसकी फोकस एफ और इसकी फोकस एफ है, जो कि होगी क्योंकि ये वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल कटी हुआ है, तो अभी भी डिस्टेंस एक्स चलेगा, उतने ही बेंड होगा, चेंज नहीं होने वाला इसकी तरह जैसे ये चेंज हो गया था। तो फोकस दोनों का एफ है, और दोनों सब सोचिए कि रेज ऐसे क्रॉस कराए हम, ठीक, तो यहाँ भी एक्स डिस्टेंस चलेगा, यहाँ भी एक्स, तो बेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जब ज़्यादा होंगे तो वन बाई एफ करके चेक करेंगे आप ना, तो जो नेट फोकस आएगा, ये एफ बेंड कराएगा, ये एफ बेंड कराएगा, तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा बेंड हो जाएगा, पावर ज़्यादा हो जाएगा, पावर हो जाएगी डबल, अगर इसकी पावर पी है, इसकी पावर पी है, तो नेट पावर कितना 2p, और जब नेट पावर 2p हो गया तो फोकस क्या हो जाएगी आधा, तो इस केस में जब इनको कंबाइन करेंगे तो फोकस कितना हो जाएगा एफ बाई टू। इस केस में ध्यान दीजिएगा, जो रेज आएगी ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करना चाहेगा नीचे 30 डिग्री मान लेते हैं, तो ये किधर कन्वर्ज करेगा, अब इसका बेस कहाँ खड़ा है, ऊपर ना, क्योंकि अगर आप लेंस की बात करो तो नीचे जो रेज आती है वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, और जो ऊपर आती है वो कहाँ जाती है, नीचे, तो ये वाला हिस्सा था ऊपर का, तो ये रेज नीचे भेजेगा, और ये हिस्सा है नीचे का, तो ये कहाँ भेजेगा, ऊपर, तो जितना ये नीचे बेंड करता है ना उतना ये ऊपर बेंड कर देता है, तो नेट क्या हो जाता है, जैसे आता है वैसे सीधा चला जाता है। तो सोचिए, कोई रेज अपनी लाइन से बेंड नहीं हो रही है, इसका मतलब पावर कितना हो गया लेंस का, जीरो, क्योंकि बेंड कर ही नहीं पा रहा, और पावर जीरो होने का मतलब फोकस क्या हो जाना, इनफाइनाइट। तो इस कॉम्बिनेशन का फोकस क्या हो गया, इनफाइनाइट, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में भी ऐड करे जाएंगे तो फोकस क्या जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। इसमें भी वैसे ही होता है, एक को ऐसे रख दिया जाता है और दूसरे को भी ऐसे पलट कर रख दिया जाता है, कोई चेंज नहीं आएगा, नेट फोकस उनका कितना हो जाएगा, एफ ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये था हमारे पास स्प्लिटिंग, और उसको फिर से हम कंबाइन कैसे करके नया फोकस निकाल सकते हैं, नया फोकस पूछे या नया पावर पूछे, हम दोनों निकाल सकते हैं, क्योंकि फोकस और पावर का क्या पता चल गया, हमें रिलेशन पता चल गया, ठीक, ओके। चलिए, लास्ट में हम लोग दो न्यूमेरिकल करेंगे छोटे छोटे, जैसे थोड़े कॉन्सेप्ट हमारे क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, चलिए, ओके, चलिए देखिए, पहला प्रॉब्लम क्या दिया हमारे पास, अ नीडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ लेंस, वो भी कहां पर, देखिए क्या दिया है, स्क्रीन पर। एक चीज आपको अभी बता दें कि अगर रियल इमेज की बात की जाए, जो कि हम बता चुके पहले भी, रिपीट है कि अगर रियल इमेज की बात की जाए तो ही वो स्क्रीन पे बनता है, अदरवाइज स्क्रीन पे नहीं बनता है। अगर ये स्क्रीन पे बना है, इस लेंस की रियल इमेज है, और लेंस के दूसरी साइड रियल तभी बनता है जब लेंस कैसा हो, कॉन्वेक्स हो, ठीक है। पहली चीज ये हमें समझ लेना है, क्योंकि आप देखे होंगे इमेज फॉर्मेशन में जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनाते थे, इसमें इमेज हमेशा इस साइड का, इस साइड तभी बनता था जब हमारे पास लेंस कैसा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव के केस में एक बार बनता था, लेकिन वो कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था, और इन्होंने स्क्रीन मार्क किया है, इसका मतलब रियल इमेज है, और रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव बनाता, सॉरी कॉन्वेक्स बनाता है अदर साइड में, अदर साइड दिया ना इन्होंने लेंस के, ऑफ द लेंस, ठीक है। अच्छा, जहां बन रहा वो लेंस से स्क्रीन कितना दूर है, तो देखिए, अ नीडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर हमारा क्या है, स्क्रीन है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, जो निडिल है जिसकी कहानी है वो कितना सेंटीमीटर दूर है हमारे लेंस से, 45 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलिए, लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, चलिए, तो पहला प्रॉब्लम मिल गया हमें आंसर, कि लेंस का टाइप कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं आगे, डिटरमाइन फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस, फोकल लेंस कैसे पता चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, नीडल एक तरह से हमारे पास क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्क्रीन पे क्या बना है, इमेज, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ठीक। अब देखिए, लेंस के इस तरफ की डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज आने वाली को हम लेते हैं इस तरफ पॉजिटिव, और इधर का क्या लिया जाएगा, माइनस, और वैसे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू टेकन एज ऑलवेज निगेटिव, तो कितना दूर मानेंगे इसको, 45 सेंटीमीटर, क्लियर। इमेज कितना दूर बन रहा है स्क्रीन पर, 90 सेंटीमीटर, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर, माइनस की प्लस
प्लस, क्योंकि अदर साइड अगर एक को हमने माइनस में लिया है तो दूसरे को क्या लेना होगा, प्लस में लेना होगा। तो यहाँ से फोकस आ जाएगा, यू भी मिल गया। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/U, 1/F जो कि निकालना है, 1/V, V इज 90 सेंटीमीटर, माइनस 1/U, U इज इन निगेटिव 45 सेंटीमीटर। एलसीएम देखा जाए तो कितना रखेंगे, 90, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 45, 2 9 होता 90 होता है, तो ये जाएगा टोटल 3/90, कट्टम पिट्टम कर दे तो 1/30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1/F इज इक्वल टू 1/30 मीन्स F इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और देखिए फोकस आया है पॉजिटिव, वैसे भी इसकी फोकस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो कि आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास डिटरमाइन द फोकल लेंथ हो गया, और नेक्स्ट क्या पूछा है, पावर। तो पावर की कहानी क्या है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर इज इक्वल टू 1/F व्हेन F इज इन मीटर, बट यहाँ पे किसमें है, सेंटीमीटर में, तो इसको किसमें लिख देंगे हम, 100/ लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो 100/30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर नीचे है तो ये नेट यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर। इसको हम सही सॉल्व कर लेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 10/3 तो 3.33 आ जाएगा, सही है, डायोप्टर इसको चेंज कर लीजिएगा अपना। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा है, व्हाट इज द साइज साइज ऑफ इमेज, और हमने साइज ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट इसकी होती है ना, तो एच ऑफ आई हमसे ये पूछ रहा है, इफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, जो नीडल था मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये एच ओ है ऑब्जेक्ट, वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि एच आई बताइए, अगर 5 सेंटीमीटर का नीडल रखे हैं तो जो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है 90 सेंटीमीटर दूर, उसका इमेज कितना होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा उसको कैसे करेंगे, आप देखिए देखिए देखिए, आपके पास होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि होता कितना है, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी ओवर यू, ये तो पढ़ा हम लोगों ने। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मैग्निफिकेशन से कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए, बस इनको पकड़िए, क्योंकि आपको इनमें से 3 तो पता हो गया, यू वी यहाँ दिया था, सॉल्व हो गया, ये एच आई निकालना, एच नॉट दिया है, तो चलिए रखते हैं, एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, एच ओ इज 5 सेंटीमीटर इज इन साइज, लिखा था ना नीडल इज इन इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, यू वी, वी पहले रखना है ऊपर 90 और नीचे क्या लिखना है, माइनस 45 यू, और फॉर्मूले में याद होगा आपको माइनस होता है यहाँ पर, या माइनस नहीं है, चलिए छोड़िए माइनस को छोड़ दिया, और माइनस आपने लिख लिया तो आंसर क्या जाएगा, एच आई इज इक्वल्स टू, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो माइनस 2, और 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। तो एच आई की वैल्यू हो गई माइनस 10 सेंटीमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि जो हाइट है वो क्या है, नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड है। और लॉजिक अगर करते हैं, आपको इतना करना नहीं पड़ता, आप सोचिए कि स्क्रीन जैसे है ना, आपके पास 2 लाइन है ऐसे और ऐसे, और अगर ये स्क्रीन यहाँ रखे तो ये एंगल सेम है लेकिन ये हाइट कम है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे एंगल तो अभी भी सेम है लेकिन हाइट क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो आपको 45 पे तो नीडल रखा था, और कितने पे स्क्रीन बन रहा है, मतलब स्क्रीन पे इमेज बन रहा है 90 पे, जस्ट डबल, तो 5 का जस्ट डबल इमेज भी होना चाहिए और होगा, ठीक। ये लॉजिक अलग चीज़ हो गई, आप इसी से कर लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो ये है हमारे पास। चलिए अच्छा ये न्यूमेरिकल हो गया पहला, एक लास्ट न्यूमेरिकल आज कवर कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास एक और है, इसमें कह दिया हमसे, इसमें पूछा है कि एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस 2 मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है, मीडियम 1 और मीडियम 2। ये वाला जो ग्लास जैसा बना हमने, बॉक्स जैसा, ये है मीडियम 2 और इसके ऊपर क्या है, मीडियम 1। ओके, फिर दिया इन्होंने कि जो लाइट रे है वो इस इंटरफेस पे फॉल होती है नॉर्मल से कितने डिग्री पर, 45। तो इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अब इन्होंने कहा कि इफ रिफ्रैक्शन एंगल फॉर दिस सिस्टम इज 30 डिग्री, देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिफरेंस टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा टारगेट है पहले पार्ट के लिए, दूसरा भी हम देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन था कि देयर इज अ 2 मीडियम, मीडियम फर्स्ट, मीडियम टू,
मीडियम फर्स्ट और मीडियम टू के विषय में कुछ नहीं पता है, बस इतना दिया कि दो मीडियम है, इनके इंटरफेस पे एक लाइट रे इंसिडेंट होता है नॉर्मल से कितने डिग्री पर 45। यदि रिफ्रैक्शन इसमें हो रहा है और रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो पहले तो इस रे डायग्राम को कंप्लीट कीजिए आप। दूसरी चीज, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के कंपेरिजन में रिस्पेक्ट में हमें कितना मिलेगा, ये पूछा है। ठीक, तो रे डायग्राम की बात करें तो रे डायग्राम तो सिंपल है, 30 डिग्री मतलब मीडियम सेकेंड क्या है डेंसर हुआ 30, तो 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे ऐसे बना देंगे 45 से कम पे 30, तो ये तो हो गया कि डेंसर होगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इससे ज़्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, ये तो कंफर्म हो गया। तो आंसर क्रॉस चेक करने का सबसे अच्छा तरीका। दूसरी चीज़, ये निकालेंगे कैसे, तो आपको याद होगा जब भी रिफ्रैक्शन होता है एक लॉ चलता है, रिफ्रैक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। पहला तो सिंपल सा था, नॉर्मल इंसिडेंट रिफ्रैक्शन सब एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे लाइक करते हैं। ओके, अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते थे हम लोग, साइन आई इंसिडेंट एंगल ओवर साइन आर रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू ओवर मीडियम फर्स्ट। तो आपको यही ना चाहिए, इसका मतलब साइन आई बाई साइन आर निकाल लीजिए, साइन आई इज साइन 45, ठीक, साइन आर इज साइन आर 30, साइन 30 इक्वल्स टू एन टू ओवर एन वन। साइन 45 की वैल्यू आपको याद रखना होगा 1/√2 टोटल डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अगर इसको क्रॉस चेक किया जाए, सही किया जाए मतलब सॉल्व किया जाए, तो ये 2 चला जाएगा एकदम ऊपर और नीचे रहेगा √2, दोनों ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए √2 कितना जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ √2 बचेगा। मतलब ये कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिस्पेक्ट में N2/N1 कितना मिल गया √2। बात समझ में आई, तो ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये 1.414 होता है इसकी वैल्यू, इतना भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट होता है विदाउट एनी डायमेंशन एंड यूनिट्स। नेक्स्ट पोर्शन दिया है लास्ट कि यदि हम मीडियम 2 को रिप्लेस कर देते हैं वाटर से, तो बताइए कि ये जो रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन एंगल है आर, इस आर पे क्या इफेक्ट आएगा, ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। इफ वी रिप्लेस दिस मीडियम टू विद वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम वाटर इज 4/3, देन फाइंड आउट द चेंज इन दिस रिफ्रैक्शन एंगल, जो पहले 30 था उससे बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो हम लॉजिक पे अगर ध्यान दें तो रिफ्रैक्शन इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था इस मीडियम की, वाया 1.414, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं तो 4/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 1.33 आएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें ज़्यादा इसमें, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा बेंडिंग, इसका मतलब इस मेन लाइट को ओरिजिनल लाइट की पाथ से ये बेंड हुआ इसमें और मेन लाइट से ये बेंड होगा इसमें, ठीक है। ये तो हुआ, किसमें ज़्यादा बेंड होगा, जिसमें ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर सोचिए इसमें ज़्यादा बेंड होता तो कितना बेंड हुआ है 30 डालने के लिए 60, इस वाले में 60 से ज़्यादा बेंड होना चाहिए कि कम होना चाहिए, तो इस वाले में जो बेंडिंग होगा वो 60 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कम। तो मान लीजिए कितना हो रहा है ये बेंडिंग 55, तो अब ये कितना हो जाएगा 30 से बढ़कर, पहले कितना था 30 था, अब कितना हो जाएगा 35, तो इंक्रीमेंट होगा। ये लॉजिक था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था तो बेंडिंग ज़्यादा मतलब ये कम हुआ, और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा 1.33 आएगा, बेंडिंग कम होगी तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या रहेगा ज़्यादा, तो एक तो हो गया कि आंसर आर बढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 2, फॉर्मूला वैलिड कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास लीगल तरीका होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन 1, तो N2/N1 इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, है कि नहीं। अच्छा, N2/N1 कितना दिया है 4/3, और N1 को हम अगर एयर ले तो इसका कितना हो जाएगा 1, ओके, इक्वल्स टू साइन आई, साइन आई मीन्स कितना है 45, और साइन आर, साइन आर तो आपको पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, आर को उधर रिप्लेस कर दीजिए, इसको यहाँ रिप्लेस कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन आर इक्वल्स टू साइन 45 डिवाइडेड बाई 4/3, ठीक है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो साइन आर इक्वल्स टू 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2। अब ध्यान दीजिए ये साइन आर की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। 1/2 अगर होता तो ये 30 होता, कितना होता 30। अगर इसको मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये एंगल जो आएगा, जैसे मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर आ जाइए, कहाँ गया साइन आर की,
साइन आर पहले कितना था, साइन 30 था, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो साइन 30 की वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये पहले तो आया 0.5, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से ग्रेटर जाएगा, इसका मतलब, सॉरी 1 से ग्रेटर कह रहा हूँ मैं, 0.5 से ग्रेटर जाएगा। और साइन में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है एंगल भी क्या होता है, बढ़ता है। आप चेक करके देख लीजिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये सब बढ़ रहा है। वैसे ही जब हमने देखा कि ये पूरी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब साइन आर की वैल्यू यहाँ वाली इससे ज़्यादा होगी, और जब साइन 30 से ज़्यादा ये हुई तो आर इज ग्रेटर देन 30। ये मेथड हो गया मैथमेटिकली, हम इसको लीगल कह सकते हैं, बाकी लॉजिक गलत नहीं है। लॉजिक से आप दे सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कम था, यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम है, तो बेंडिंग किस केस में कम होगा इसमें, और जितना कम बेंडिंग रिफ्रैक्टिव एंगल उतना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कि आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये था आज का हमारा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आई स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन आई एंड वंडरफुल कलरफुल वर्ड कह सकते हैं, ये चैप्टर का नाम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।